और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से। जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सपा के लकी यादव ने जीत दर्ज कर ली है। पहले धनंजय सिंह जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब लकी यादव ने बढ़त बनाई और जीत दर्ज कर ली है। अंतिम चरणों में लकी यादव ने विजयी बढ़त हासिल की। 12,000 से अधिक मतों से लकी यादव ने जीत दर्ज की है। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन लकी यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। तो जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट मलहनी में 2017 में भी सपा ने जीत दर्ज की, उसके बाद उपचुनाव हुए तब भी सपा ने जीत दर्ज की और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना परचम लहराया है। जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट ही वो सीट है जहां पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के अलावा जाकर वोट मांगे थे और लकी यादव को जिताने की लोगों से अपील की थी। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने भी यहां पर आकर रैलियां की थी और मलहनी में धनंजय सिंह को पछाड़ते हुए लकी यादव ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। धनंजय सिंह जो कि बाहुबली हैं और लगातार आगे चल रहे थे, सुबह के रुझानों में पहले लकी यादव आगे थे लेकिन बाद में फिर धनंजय सिंह आगे हो गए थे जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं। अंतिम चरणों में लकी यादव ने यहां पर विजयी बढ़त बनाई और 12,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है लकी यादव ने। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सपा के लकी यादव ने जीत दर्ज कर ली है। पहले धनंजय सिंह जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब लकी यादव ने बढ़त बनाई और जीत दर्ज कर ली है। अंतिम चरणों में लकी यादव ने विजयी बढ़त हासिल की। 12,000 से अधिक मतों से लकी यादव ने जीत दर्ज की है। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन लकी यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। तो जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट मलहनी में 2017 में भी सपा ने जीत दर्ज की, उसके बाद उपचुनाव हुए तब भी सपा ने जीत दर्ज की और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना परचम लहराया है। जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट ही वो सीट है जहां पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के अलावा जाकर वोट मांगे थे और लकी यादव को जिताने की लोगों से अपील की थी। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने भी यहां पर आकर रैलियां की थी और मलहनी में धनंजय सिंह को पछाड़ते हुए लकी यादव ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। धनंजय सिंह जो कि बाहुबली हैं और लगातार आगे चल रहे थे, सुबह के रुझानों में पहले लकी यादव आगे थे लेकिन बाद में फिर धनंजय सिंह आगे हो गए थे जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं। अंतिम चरणों में लकी यादव ने यहां पर विजयी बढ़त बनाई और 12,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है लकी यादव ने। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।